हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आया है फ्रेंड्स विदाउट इलास्टिक के, तो ये इसको हम बांध सकते हैं। और ये देखिए, दोनों साइड से दोनों ही मैंने एक कलर के बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये मैंने कैसे बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं एक दूसरा सिल्क का बना रही हूँ बोनेट। तो ये मैंने जो पेपर कटिंग की थी, क्योंकि ये कपड़ा मेरा कम था और मैंने फोल्ड करके इस रख करके कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको सिल लेते हैं। ये मैं विदाउट इलास्टिक बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए, दोनों को मिला करके ये देखिए ऐसे हाफ फोल्ड कर लेना है, और हाफ फोल्ड करके इधर से हमें 2 इंची लेना है फ्रेंड्स, इधर से 2 लेना है, और पूरे में 2 2 लेके एक राउंड टाइप बना लेना है ये देखिए, और इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस टाइप से कट जाएगा। अब हम इसको सिल लेंगे फ्रेंड्स। छोटे छोटे कट लगाएंगे फ्रेंड्स। और फोल्ड करेंगे। अब इस पे एक स्टिच डालेंगे। राउंड राउंड से फ्रिल डालेंगे फ्रेंड। तो फ्रिल में मशीन से मोटी सिलाई करके करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमें सीधे में करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें से हम ये जो डबल धागे होते हैं, इसमें 1 धागा लेके ऐसे फ्रिल डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने धागा खींच के पूरे में फ्रिल डाल ली है ये देखिए, और ये हमारा इस टाइप से रहेगा, और ये मैंने पूरे में फ्रिल डाल ली है। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे फ्रेंड्स। ये मेरी छोटी रह गई इसलिए मैंने ज्वाइंट लगा लिया है। आपके पास फुल कपड़ा है तो नहीं लगाएंगे तभी भी चलेगा। तो ये देखिए,
ये 3 इंच के करीब है फ्रेंड्स, और लेंथ है इसकी, ये देखिए 50 के करीब है फ्रेंड्स, ये देखिए 50 इंच के करीब है। तो अब इसको हमें कैसे सिलना है, ये देखिए इसको हम क्रॉस में सिलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं क्रॉस में फोल्ड करूँगी। स्ट्रिप को सिल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इधर से सिल ली है, अब मैं इधर से सिल लूंगी, और सेंटर में से हम छोड़ देंगे, क्योंकि सेंटर में हमें उसके साथ में अटैच करना है, इसलिए मैं सेंटर में छोड़ दूंगी और दोनों किनारे से सिल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम दोनों को एकदम नाप लेंगे, एकदम बराबर होने चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे एकदम दोनों बराबर आ रहे हैं। अब मैं ना छोड़ दूंगी इसको और इसको सीधा कर लूंगी फ्रेंड्स। उससे पहले इस कपड़े को कट कर लेंगे, इधर से भी कट करेंगे, ये देखिए, और अब इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए फ्रेंड्स, इसको सीधा करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर, पेन, पेंसिल, सेफ्टी पिन। ये देखिए मैंने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया है, और अब इसको हम सीधा कर लेंगे, ये देखिए। ये देखिए सीधी हो गई है पट्टी हमारी। इधर से हम पिन से इसका किनारा निकाल लेंगे, नोक जिसको बोलते हैं, पॉइंट। ये देखिए ये हमारी सीधी हो गई है पट्टी। इस टाइप से दूसरे को भी कर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम नाप लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे दोनों हमारे बराबर हैं क्या, और अब हम इसको इसके साथ में लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप किसी भी साइड लगा सकते हो, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये दोनों साइड से एक ही कलर का है फ्रेंड्स। अगर दो कलर का है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी और देखिए फ्रेंड्स, पास पास ये देखिए फ्रेंड, ऐसे करते हुए क्लोज क्लोज फ्रिल डाल लेनी है। थोड़ा चेक करेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा फ्रिल को एडजस्ट करेंगे। ये देखिए एकदम बराबर आ रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एकदम बराबर आ गया है। ये देखिए ऐसे लास्ट में सिलाई कर लेंगे। अब क्या करना है फ्रेंड, इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। ये देखिए फोल्ड बड़ा फिनिशिंग से करना है फ्रेंड्स। ये देखिए
हल्का हल्का सा फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा स्टिच हो गया है। आप चाहें तो इस पर भी सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है क्योंकि ये मुझे बो बनाने के लिए चाहिए। तो बो कैसे बनाना है फ्रेंड्स, इस टाइप लेना है और ये देखिए, ये हमारा ये रेडी हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, आप चाहें तो इसको ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे तो बैक साइड भी कर सकते हैं, ये ऊपर रख सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे।